अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल होम कुकिंग वर्जन व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज जो है मेरे बेटे की बर्थडे थी, तो सोचा मैं आप लोगों से व्लॉग शेयर करती हूँ। और ये मैं गई थी शॉपिंग पे, कुछ बर्थडे की शॉपिंग थी। थोड़ा सा ये है स्पार्क कैंडल दो लेकर आई हूँ, क्योंकि एक जो है लास्ट टाइम भी जब मैं लाई थी तो एक ख़राब हो गई थी, तो मैंने कहा दो ख़रीद लेती हूँ। और ये है बच्चों के लिए स्प्रे, स्नो स्प्रे। और ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके बगैर बच्चों की जो एक्साइटमेंट है वो अनकम्प्लीट होती है। और ये बैनर्स हैं, हैप्पी बर्थडे के बैनर्स हैं, ये वॉल पे हैंग करने के लिए इस तरह ही हैंग करते हैं। और ये गोल्डन थे, मैंने गोल्डन ले लिए थे। और इनकी जो प्राइस थी वो 100 रुपीज़ थी। और ये बलून्स मैंने दो पैकेट ले लिए थे, क्योंकि मुझे इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही थी। मुझे जो अच्छी क्वालिटी के बलून्स थे वो पिंक कलर में थे, और जो मुझे बेटे की थीम के लिए चाहिए थे वो थे नहीं। सो मैंने ये कलरफुल थीम जो थी ले ली थी। और ये दो इसलिए ले लिए थे कि इनकी जो क्वालिटी मुझे कुछ ख़ास नहीं लग रही थी। बहुत सॉफ्ट होते हैं, और ये इनको जैसे ही आप फुलाते हैं तो ये फौरन जो हैं उसी वक्त फट जाते हैं। ये कुछ कैंडल्स थी, और बस मेरी थोड़ी सी ग्रॉसरी थी, जो कि मैंने शैम्पू और बस कुछ दालें भी ली थी। और ये है इसका बैनर्स का, बर्थडे बैनर्स का रिबन है। इसमें अटैच करके आप इसको वॉल के साथ टेप के साथ हैंग कर सकते हैं इजीली। और आज जो था बर्थडे पे जो है, मैंने किसी को इनवाइटेड नहीं किया था। मैं अपने बच्चों की बर्थडे जो है ख़ुद ही सेलिब्रेट करती हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड और बच्चे बस। क्योंकि मेरी मदर तो होती हैं कराची में, मेरे बहन भाई सब कराची में होते हैं, तो मैं किसी को इनवाइट नहीं करती। बस सिर्फ अकेले घर में इनवाइट कर लेती हूँ, बच्चों की खुशी होती है। पहले तो मैं ये भी नहीं करती थी, लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो, क्योंकि ये स्कूल में देखते हैं अपने बच्चों साथ जो किड्स होते हैं इनके, उनको बर्थडे करते हुए, तो फिर हमें भी करनी पड़ती है बच्चों की। और ये उम्र ऐसी होती है 7 से 10 साल तक आप जो भी बच्चों के साथ करते हैं ये उनका यादगार मोमेंट बन जाता है थ्रू द लाइफ। सो अब जो है मेरा फोकस होता है कि मैं बच्चों की बर्थडे ज़रूर सेलिब्रेट करूं। और यहाँ मैं आई थी स्टोर में, क्योंकि स्टोर में बहुत सारा मेरा काम था, क्योंकि पूरे वीक के कपड़े मुझे जो है प्रेस करने थे हल्के हल्के। मैं प्रेस करके उनको रोल करके रख देती हूँ वीकली बच्चों के इंदराज में। और मैं बच्चों के लिए कबड यूज़ नहीं करती, ये मेरा आयरन का जो डिवाइडर है इसी में मैं बच्चों के क्लॉथ, रेगुलर क्लॉथ इसी में रखती हूँ। बच्चे आते हैं रोल करके रख देती हूँ, बच्चे आते हैं और पहन लेते हैं। और ये था यूनिफॉर्म, क्योंकि बच्चों ने स्कूल भी जाना था और मैंने सोचा कि जल्दी से यूनिफॉर्म भी प्रेस कर दूँ। और साथ साथ मैं बच्चों के कपड़े भी प्रेस कर रही थी, क्योंकि मैंने कहा बर्थडे के कपड़े भी प्रेस करके रख दूँ। और ये शॉर्ट था, और ये शर्ट है जो कि मैं काफ़ी टाइम पहले लेकर आई थी, और मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया था। और अब मैंने कहा वैसी सर्दियाँ आ रही हैं तो इसका इस्तेमाल ही नहीं हो जाएगा, तो आज मैं इसे बर्थडे पर पहना दूँ। और बस इसको मैंने सोचा प्रेस कर दूँ, रख दूँ, ताकि टाइम की बचत हो जाएगी टाइम पर ही साथ साथ। और ये थी शर्ट जो कि मैंने बच्चा पार्टी से ख़रीदी थी, ये काफ़ी पुरानी शर्ट है, और ये भी मैंने बिल्कुल नहीं पहनाई। आप देखें कि ये पहनाऊंगी अभी बर्थडे पे या दूसरी वाली शर्ट पहनाऊंगी, देखते हैं कौन सी पहनाती हूँ। बस अभी मैं सोच रही थी कि कुछ कपड़े प्रेस करके रख दूँ ताकि आसानी हो जाएगी। और आज के जो बर्थडे है उस पर मैंने कुछ ख़ास कुछ भी खाने पीने का नहीं किया, अभी मैं अपना लंच बनाऊँगी। वैसे ये कपड़े इस्त्री ही थे
लेकिन फिर भी मैंने कहा थोड़ा सा और करके रख दूँ, मैं इस्त्री करके रोल करके कपड़े रख देती हूँ, और जब ज़रूरत होते हैं तो दोबारा हल्की फुल्की कर देती हूँ इस्त्री। और वैसे बर्थडे मनाने का कुछ ख़ास प्लान नहीं था, लेकिन बस बच्चों की फरमाइश पे मुझे इसको करना ही पड़ा। और वैसे तबीयत भी मेरी इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मूड नहीं बन रहा था कि बर्थडे सेलिब्रेट करूं। बर्थडे सेलिब्रेट करनी पड़ी। और फिर मेरे बच्चों के कुछ स्कूल के दोस्त थे, उनके बचपन के दोस्त हैं, स्कूल में साथ पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने आना था, उन्होंने कहा कि हमें बर्थडे पर आना है। तो फिर मुझे के जो है ये मौका था, और इस वजह से छोटी सी सेलिब्रेशन मुझे करनी पड़ी। बस यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी कपड़े प्रेस कर रही थी ताकि टाइम बिल्कुल भी नहीं था, और मैं अकेली हूँ, मेरे पास मेड भी नहीं है, और तबीयत भी इतनी ख़राब है कि मैंने अभी उठकर आजकल थोड़ा सा काम करना शुरू किया है। यहाँ मैं बना रही थी सिर्फ अपने लिए सादी सी खिचड़ी, क्योंकि मुझे कोई मिर्ची वाली या सॉलिड ग़िज़ा नहीं खानी। यहाँ पे मैं बिल्कुल हल्की सी अपने अपने बच्चों के लिए खिचड़ी बना रही थी ताकि कुछ हो जाए, क्योंकि शाम को तो मैंने बच्चों के लिए कुछ ख़ास खाने पीने का नहीं किया, सिर्फ उनके लिए स्नैक होगा, जो बेकर्स आइटम होते हैं वही मैंने मंगवाए थे, क्योंकि तबीयत इतनी ख़राब है और खाना कुछ भी नहीं है हमें, पर मुझे भी नहीं खाना और ना ही मेरे हस्बैंड खाते हैं कुछ ऑयली खाना। तो बस हमने बच्चों की खुशी के लिए थोड़ा सा बेकर आइटम मंगवा लिए थे, और सॉरी ऑर्डर दिया है, अभी मंगवाए नहीं है, इंशाल्लाह शाम को ही सब कुछ आएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताएं। और यहाँ पे ये मेरा फ्रिज बिल्कुल नया आया था, पहले मेरा दूसरा फ्रिज था सक्सेस वालों का, ओरिएंट का, और अब मैंने जो है हायर का बाय किया है फ्रिज, अभी बाय किया है तो ऑलमोस्ट 1 वीक भी नहीं हुआ। बस यहाँ मेरी बच्ची को कुछ चाहिए था, और बस कुछ खाना खिचड़ी बना कर मैं दोबारा आ गई थी, और मैंने बचे हुए कपड़े जल्दी जल्दी मैंने कहा प्रेस कर लूँ। और कपड़े अगर आप लोग वीकली जो है ना, बच्चों की जो वीकली शर्ट्स होती हैं रेगुलर, अगर वो हल्की फुल्की इस्त्री करके रोल करके रख दें दराज में तो बहुत आसानी होती है। और यहाँ वीडियो मैंने थोड़ी सी फास्ट कर दी थी क्योंकि इतना टाइम लग गया था प्रेस करने में, और तकरीबन आधा घंटा मुझे लग जाता है प्रेस करने में, वीकली कपड़े प्रेस करने पे। और यहाँ पे मैं गई थी बाज़ार, और कपड़े इस्त्री करने के बाद मैं बाज़ार चली गई थी, वहाँ से थोड़ा सा कुछ बर्थडे का एक्स्ट्रा सामान रहता था, कुछ ये बलून रहता था, बैलून था ये वाला, और एक कैप रहती थी जो कि मेरे बेटे को चाहिए थी, और कुछ बंस थे, ये तो मैं कल ही ले आई थी जो कि मैंने आपको दिखा दिए थे, और ये कुछ अभी आए थे दोबारा ये सामान आया था। और कुछ बर्गर के बंस थे, क्योंकि ये बंस जो थे मैंने अपने बच्चों के लिए बनाए थे, क्योंकि मैंने शामी कबाब मटन के बनाए हुए हैं और वो मुझे बच्चों को देने थे स्कूल के लिए, आसानी हो जाती है स्कूल में, और शामी कबाब अगर आप बना के रख दें तो बहुत लंच में आसानी हो जाती है, 1 या 2 दिन ही लेकर जाते हैं, पूरा वीक तो बिल्कुल बच्चे एक चीज़ नहीं खाते। और यहाँ पे ये बलून मैं चेक कर रही थी, ये हार्ट बलून है, बर्थडे के लिए स्पेशल मैं लेकर आई थी अपने बच्चे के लिए, और बाकी कलरफुल बलून थे, और दूसरा एक इसकी कमी थी बैनर्स के साथ, तो मैं ये ले आई। और यहाँ पे जी बर्थडे की तैयारी कर रहे थे, मैं जल्दी जल्दी मैंने अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट की कि आप थोड़ी सी सपोर्ट करें मुझे, क्योंकि मुझसे हिम्मत ही नहीं हो रही थी, और सितंबर की इतनी सख्त गर्मी 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 कि मत पूछें। और
यहाँ पे बैनर्स वगैरह लगा दिए थे और बस कुछ नहीं, बस बलून मैंने फुलाने थे, बलून्स लगाने थे। और बस यहाँ शाम का टाइम था, मैंने कहा थोड़ा जल्दी जल्दी तैयारी कर दूँ, हस्बैंड को कहा कि थोड़ा सा हेल्प करें, और बर्थडे के जो बलून्स थे वो मैंने ही फुला लिए थे। और बस यहाँ देखें ये भी लग गई थी बैनर्स, बहुत आसान होती है ये, इसमें रिबन अटैच करना पड़ता है और ये 100 रुपीज़ की मिलती है। जो तमाम जो ओवरऑल सामान था बर्थडे का, तकरीबन 500 to 600 का मुझे पड़ा था। और ये वाले बलून्स जो थे इनकी क्वालिटी बहुत बहुत ख़राब थी, बड़ी मुश्किल से मैंने एडजस्ट किया है, कितने सारे फट गए थे, बड़ी मुश्किल से मैंने जो है इनको डेकोर किया था, वॉल पे बिल्कुल हाथ लगाने से ही ये फट रहे थे। बस यहाँ जो है मैं बड़ी तेज़ी से काम कर रही थी क्योंकि तबीयत इतनी ख़राब थी, और मैंने भी जाना था थोड़ा सा बाहर, दोबारा जाना था मुझे क्योंकि केक भी लाना था। और यहाँ बलून्स मैंने रख दिए थे किचन में, मैंने सारे बलून्स रख दिए थे इसलिए कि ये बलून बहुत ही कच्चे थे और बिल्कुल हवा से फट रहे थे, तो मैंने थोड़े से यहाँ लगा दिए। और बस अब देखिए मैं जाऊंगी अपने बेटे को तैयार करने, उन्हें कपड़े दूंगी ताकि वो तैयार हों। और यहाँ पे देखिए ये थोड़ी सी जो मैंने वॉल, ये वाली वॉल तैयार की है मैंने, बिल्कुल हल्की फुल्की सादी सी डेकोरेशन जो इतनी अच्छी लग रही थी माशाल्लाह। वो कहते हैं ना कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर होता है, तो ये हल्की फुल्की बहुत ही अंडर बजट जो मेरा डेकोर था, बिल्कुल सादा सा मैंने जल्दी से कर लिया, इसमें सिर्फ आधा घंटा लगा है बस। और यहाँ पे जी बच्चों के दोस्त भी आ गए थे, और मैंने सारा जो टेबल पे खाना था वो भी लगा दिया, थोड़ा सा बच्चों ने खेला। और खेलने के बाद देखिए टाइम जो है 7:30 हो रहे हैं, तो मैंने जल्दी से खाना लगा दिया क्योंकि बच्चों को आए हुए आधा घंटा हो गया था। और अब मैंने कहा कि केक भी कटिंग करवा दूँ, और क्योंकि यहाँ पे बच्चों को मैंने सब कुछ सर्व कर दिया था और बच्चे इतने खुश थे माशाल्लाह। ये दो मेरे बच्चों के दोस्त हैं, दोनों बहन भाई हैं, और ये हर बर्थडे पर आते हैं मेरे बच्चों की, मैंने कभी इन्हें बुलाया नहीं, ये खुद से मेरे बच्चों को विश करने आते हैं माशाल्लाह।